हे गाइज, वेलकम टू द एंड्रॉयड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको OnePlus 9RT को कंपेयर करने वाला हूँ Moto Edge 30 Pro के साथ। Moto Edge 30 Pro जो है वो रिसेंटली ही इंडिया में लॉन्च किया गया है। सो गाइज, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों फ्लैगशिप फोन्स में से कौन सा फ़ोन आपको परचेस करना चाहिए, किस में क्या एस्पेक्ट्स मिलने वाले हैं, क्या फीचर्स एड ऑन है, सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में इन डिटेल बताने वाला हूँ। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं OnePlus 9RT से। तो इसमें आपको जो है वो Snapdragon 888 वाला चिपसेट मिलता है। Moto Edge 30 Pro में Snapdragon 8 Gen 1 वाला चिपसेट मिलता है, जो फ्लैगशिप प्रोसेसर है 888 से भी ज़्यादा जो है अच्छा परफॉर्मेंस आपको देगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपको जो है वो Antutu स्कोर में 27% का जो आपको बूस्ट मिलेगा 8 Gen 1 में। और जो GPU है वो आपको OnePlus 9RT में Adreno 660 वाला GPU मिलता है, Moto Edge 30 Pro में Adreno 730 वाला GPU मिलता है। दोनों ही में आपको 8GB एंड 12GB का RAM सपोर्ट मिलेगा एंड 128GB एंड 256GB का ROM सपोर्ट मिलेगा। OS है वो आपको जो है वो OnePlus 9RT में Android 11 Color OS 12 मिलेगा आपको, और Moto Edge 30 Pro में आपको जो है वो Android 12 मिलेगा। OnePlus 9RT में आपको जो वो 6.67 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलेगा और Moto Edge 30 Pro में 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले मिलेगा। यहाँ पे दोनों ही में आपको बिल्कुल सेम 1080x2400 पिक्सल्स वाला रिजोल्यूशन मिल जाएगा, और जो पिक्सल्स पर इंच है वो आपको OnePlus 9RT में 397 PPI मिलता है एंड Moto Edge 30 Pro में 393 PPI मिलता है। और OnePlus 9RT में 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलेगा एंड Moto Edge 30 Pro में 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलेगा। यहाँ पे आपको दोनों ही में HDR10 का सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे दोनों ही में आपको 1000 nits का ब्राइटनेस मिलेगा। दोनों ही में आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा। दोनों ही में आपको Gorilla Glass 5 का जो आपको सपोर्ट मिलेगा। और कैमरा जो है वो आपको OnePlus 9RT में 50 megapixel का मेन कैमरा, 16 megapixel का वाइड एंड 2 megapixel का माइक्रो लेंस एंड Moto Edge 30 Pro में 50 megapixel का मेन कैमरा, 50 megapixel का वाइड कैमरा एंड 2 megapixel का डेप्थ कैमरा दिया गया है। सेल्फी कैमरे में आते हैं तो यहाँ पे आपको OnePlus 9RT में 16 megapixel का सेल्फी कैमरा मिलता है एंड Moto Edge 30 Pro में आपको जो है 60 megapixel का सेल्फी कैमरा मिलता है। OnePlus 9RT में 4500 mAh का बैटरी मिलता है एंड Moto Edge 30 Pro में 4800 mAh का बैटरी मिलता है। OnePlus 9RT में 65W का फास्ट चार्जिंग मिलता है एंड Moto Edge 30 Pro में 68W का फास्ट चार्जिंग मिलता है। OnePlus 9RT में जो आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलता है, बट Moto Edge 30 Pro में आपको जो वो 15W का वायरलेस चार्जिंग भी मिलता है। यहाँ पे आपको OnePlus 9RT में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है एंड Moto Edge 30 Pro में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। दोनों ही में आपको डुअल स्पीकर मिल जाते हैं। दोनों ही में आपको 3.5mm का ऑडियो जैक नहीं दिया गया है। दोनों ही में आपको USB टाइप सी का पोर्ट मिलता है। दोनों ही में आपको NFC मिल जाता है। दोनों ही में आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिलता है एंड दोनों ही फ़ोन जो है वो 5G नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। और जो प्राइस है वो स्टार्टिंग प्राइस है OnePlus 9RT का 8GB रैम एंड 128GB का 42,999 रुपीज़ एंड Moto Edge 30 Pro का प्राइस है स्टार्टिंग प्राइस 8GB 128GB का 49,999 रुपीज़। सो गाइज, इन दोनों फ़ोन्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है प्राइस डिफरेंस है। बट अगर आप जो है वो Moto Edge 30 Pro के साथ जाते हैं तो इसमें आपको जो एक फ्लैगशिप ग्रेड का प्रोसेसर मिलता है Snapdragon 8 Gen 1 वाला, प्लस 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है, प्लस इस फ़ोन में आपको जो है वो 60 megapixel का सेल्फी कैमरा मिलता है, प्लस पीछे के साइड भी आपको जो 50 megapixel का प्राइमरी लेंस, उसके साथ आपको जो वो 50 megapixel का अल्ट्रा वाइड भी मिलता है। तो ये सब जो है आपको प्लस पॉइंट मिलते हैं Moto Edge 30 Pro में। और इस फ़ोन में आपको जो वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, जो आपको जो है वो OnePlus 9RT में ये फीचर्स नहीं देखने को मिलते हैं। सो गाइज, अभी अगर आप एक फ़ोन परचेस करना चाहते हैं तो आप जो है वो इन दोनों फ़ोन्स में से जो Moto Edge 30 Pro के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये इन कम्पेयर टू OnePlus 9RT अच्छा परफॉर्मेंस भी देगा और फीचर्स भी जो है वो इन कम्पेयर टू OnePlus 9RT आपको इसमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर जरूर दूंगा।